Hey everyone, welcome to my channel Kanja Talk. दिवाली अब कुछ ही दिनों दूर है और सभी के घरों में तैयारियां चल रही होगी। सभी जुट गए हैं अपने अपने घर को साफ और खूबसूरत बनाने में। और उत्तराखंड में एक आर्ट फॉर्म है एपन, जो यहाँ की फोक आर्ट है, जो बनाई जाती है मंदिरों और देवियों पे। जिस तरह हम सब रंगोली बनाते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट्स पे रंगोली बनाते हैं, तो यहाँ रंगोली को एपन के नाम से जाना जाता है। और कुछ स्टेट्स में इसको अल्पना भी कहा जाता है, कहीं इसको मांडना कहते हैं। तो उसी तरह उत्तराखंड में इसका एक अलग नाम है एपन। पिछले साल के जो स्टेन्स रह गए हैं देली पे, अब वो दिखने में तो अच्छे नहीं लगते, और हम उसके ऊपर वापस पेंट करें तो वो काफ़ी मोटी सी परत हो जाती है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए हम जो पुराना वाला एपन है उसको पहले रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत रब करना पड़ता है, बहुत लंबी प्रोसेस है। तो ये सब चीज़ें शॉर्टन करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा एक तरीका है, जो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये है थिनर, ये आपको हार्डवेयर स्टोर्स में कहीं भी मिल जाएगा, और ये आधे लीटर की बोतल है जो करीब 68 रुपीस की थी। अब हम लोग एक रफ क्लॉथ में इसको लेंगे थोड़ा सा, अब हमें इस क्लॉथ को देली के ऊपर अच्छे से बिछा देना है, जहाँ पे जिस एरिया से हमें पेंट निकालना है। तो वैसे तो मुझे ये पूरी देली से ही निकालना है, लेकिन अभी मैं हाफ हाफ पोर्शन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। अभी इसको अच्छे से हम सोक कर लेते हैं पूरे कपड़े को, और 5 मिनट करीब हम इसको रख देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसको नाइफ़ की हेल्प से हल्के हल्के रब करेंगे। तो ये कितनी इजीली अब ये निकल जा रहा है, जैसे हमने पहले देखा था उसमें काफ़ी हमें दिक्कत हो रही थी। देखिए कितनी आराम से ये सारा पेंट निकल गया है। आप चाहें तो कपड़े को कुछ और देर भी ऐसे रख सकते हैं, थोड़ा सा और उसको सोक कर लीजिए, और करीब फिर 10 मिनट्स इसको रख दीजिए, ये और भी आसानी से निकल जाएगा। इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जिनके घर में अभी वाइट वॉश हो रहा है, तो आप लोग ने देखा होगा काफ़ी पेंट्स के जो स्टेन्स हैं वो रह जाते हैं, जो छींटे पड़े रहते हैं, तो उनको मिटाने के लिए भी ये थिनर काम आ जाएगा। एक और मेथड है जिसमें मैंने रात भर इस देली को पानी में भिगा के रखा था, और एक गीला कपड़ा लिया था एक टावल जैसे, और उसको पानी में अच्छे से भिगाकर पूरी देली में रात भर उसको रखा हुआ था।
और सुबह ये इस तरह से निकल जाता है इजीली। और ये सिर्फ टाइल्स के लिए है, जैसे जो सीमेंटेड फर्श होते हैं उस पर शायद ये वर्क नहीं करेगा।